आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी को किया वोट, क्या गिर सकती है सुक्खू सरकार। वीरभद्र फैमिली की नाराजगी, आनंद शर्मा के मंसूबों का टूटना। 3 राज्य और 15 सीटें राज्यसभा चुनाव में, कहां किसका जलवा, बीजेपी कांग्रेस और सपा के कितने कैंडिडेट जीते। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3, बीजेपी ने 1 सीट जीती, डीके शिवकुमार ने कैसे दिया झटका। बीजेपी का दावा, कांग्रेस समर्थकों ने विधानसभा में लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पुलिस में दी शिकायत। गाजा में अकाल जैसे हालात, 5 लाख से ज्यादा लोग भुखमरी से सिर्फ 1 कदम दूर। इजरायली हमले में अहमद अल गुफेरी ने पत्नी और बेटियों समेत 103 रिश्तेदार खोकर खुद को कैसे बचाया। पंकज उदास को पंचतत्व में विलीन होता देख बेसुध हुई पत्नी, फूट फूट कर रोती दिखी बेटियां। और जीत जैसी बोरिंग चीज भारत, वीरेंद्र सहवाग ने WTC पॉइंट टेबल शेयर पर जमकर उड़ाया मजाक। राज्यसभा चुनाव के नतीजों से स्पष्ट है कि बीजेपी सियासी जोड़ तोड़ में एक बार फिर अपने विरोधियों पर भारी पड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले 15 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश की 15 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को हुए चुनाव के नतीजे कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं रहे। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी यानी सपा को भी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ज्यादा पुरानी नहीं है। मात्र 14 महीने पहले उत्तर भारत में कांग्रेस को जश्न मनाने की वजह देने वाली देवभूमि की यह कांग्रेस सरकार अब लड़खड़ाने लगी है। सीएम सुक्खू के सुख भरे दिन अब लदने वाले हैं और लगता है कि कुर्सी पर जमे रहने के लिए उन्हें तगड़ी मुशक्कत करनी पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में असंतोष का ये बुलबुला यूं ही नहीं फूटा है। इस असंतोष की नींव तो तब ही पड़ गई थी जब चुनाव जीतने के बाद राज्य में सरकार बनाने की बारी आई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में आई तो ये मौका पार्टी के लिए कई परेशानियां लेकर आई। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक ओर जहां भाजपा ने अपना जलवा बरकरार रखा है, वहीं कांग्रेस और सपा को क्रॉस वोटिंग की जगह से तगड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में उस समय करारा झटका लगा जब उसके विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी उम्मीदवार को भाजपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस 3 सीट जीतने में सफल रही। उधर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की। दरअसल क्रॉस वोटिंग के बीच भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को पराजित कर हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के 34 सीट पर मंगलवार को जीत दर्ज की। बताया गया कि हिमाचल में मुकाबला 34-34 मतों से बराबरी पर रहा था, लेकिन उसके बाद भाजपा के महाजन को ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया। यह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है जिसके पास 68 सदस्य विधानसभा में 40 विधायक हैं और उसने निर्दलीय विधायकों का समर्थन होने का भी दावा किया था। इस परिणाम से यह स्पष्ट हो गया कि 9 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। भाजपा ने दावा किया था कि महाजन मजबूत स्थिति में है क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालने की उनकी अपील पर ध्यान दिया है। अभी भाजपा के राज्य विधानसभा में 25 विधायक हैं। कर्नाटक में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने 3 सीट जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट जीती। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई जो बीजेपी के लिए एक झटका है। उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए व्यक्तियों में अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन और बीजेपी के नारायण शाह के भांडगे शामिल है। इस चुनाव में निर्वाचित विधायकों ने मतदान किया। चुनाव में 4 सीट के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें जनता दल के उम्मीदवार डी कुपेंद्र रेड्डी भी शामिल थे और रेड्डी चुनाव हार गए। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के बाद पाकिस्तान समर्थक नारे लगने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा इस मामले में कांग्रेस पर हमला कर रही है।
और स्पष्टीकरण की मांग कर रही है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। ऐसे में राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। उनका कहना है कि जब तक वह मौजूद थे वहां ऐसे कोई नारे नहीं लगाए गए, अगर ऐसा हुआ है तो मामले की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि कर्नाटक की 4 सीटों पर हुए मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के नतीजों में 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि एक सीट भाजपा के खाते में गई। इसराइल गाजा युद्ध अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस युद्ध की वजह से गाजा में एक बार फिर से मानवीय संकट खड़ा हो गया है। उत्तरी गाजा में इन दिनों अकाल जैसी स्थिति है। गाजा के लोग भुखमरी से कुछ ही कदम दूर हैं। यहां खाने के लाले पड़ने लगे हैं। 23 जनवरी के बाद से कोई भी मानवीय सहायता उत्तरी गाजा के लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। यह चेतावनी मंगलवार को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से दी गई। गाजा पट्टी में गंभीर मानवीय आपातकाल सामने आने के बाद से वहां की मुख्य संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी इससे निपटने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने दूसरों से भी सख्त जरूरत वाले हजारों फिलिस्तीनियों तक मदद पहुंचाने का आह्वान किया। जिस समय गाजा शहर में हुई हवाई हमले में उनके 103 रिश्तेदार मारे गए, उस वक्त वो 80 किलोमीटर दूर इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेरिको कस्बे में थे। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया, उस समय अहमद तेल अवीव में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद इजरायली सरकार की नाकेबंदी के कारण वो अपनी पत्नी और 3 छोटी बेटियों के पास लौट नहीं पाए। मनोरंजन जगत के जाने माने दिग्गज सिंगर पंकज उदास का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 27 फरवरी की शाम 5 बजे वह पंच तत्व में विलीन हो गए। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। इसके बाद सभी को उनके अंतिम दर्शन कराए गए। पंकज उदास की अंतिम विदाई के दौरान विद्या बालन, सुनील ग्वास्कर, सोनू निगम, शंकर महादेवन, कई स्लैब्स भी शामिल हुए और हर किसी ने सिंगर को नम आंखों से विदाई दी। वहीं पंकज उदास की अंतिम यात्रा में फैमिली एक दूसरे को संभालते हुए नजर आई। पंकज उदास की पत्नी इस दौरान बेसुध हालत में नजर आई। बेटियों ने माँ का हाथ थाम कर उनको संभाला और आंखों से आंसू लिए एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते नजर आए। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने रांची में हुए 5 मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम की। इस सीरीज का आखिरी मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है। भारत की यह घर पर लगातार 17वीं सीरीज जीत है। भारत को घर पर आखिरी घरेलू सीरीज में 2012-13 में एलिस्टर कुक की अगुवाई वाली इंग्लैंड से गंवानी पड़ी थी। भारत ने वो सीरीज 1-2 से गंवाई थी। तब से भारत ने घरेलू मैदान पर 50 में से 39 टेस्ट जीते हैं। ब्रेंडन मैकुलम और ब्रेन स्टॉक्स की जोड़ी ने जब से इंग्लैंड की कमान संभाली है उसके बाद से टीम की यह पहली सीरीज हार है। वहीं इंग्लैंड के सीरीज में हारने के बाद भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इंग्लैंड के बैच बॉल क्रिकेट के जमकर मजे लिए हैं।